सुबह बिस्तर से उठते ही पहला कदम रखते ही आपकी एड़ियों में इतना तेज़ दर्द हो कि आपको ये फीलिंग आए कि मैंने पहला कदम उठाया ही क्यों। ये प्लांटर फेशियाइटिस हो सकता है, यानी कि पैर में एक फेशिया होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। और प्लांटर फेशियाइटिस सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये काफ़ी परेशान करता है। जैसे आप थोड़ी ज़्यादा देर तक बैठे हो और बैठ के जब चलते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। प्लांटर फेशियाइटिस की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, एक्सरसाइज भी होती है, बट इसका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो होता है इसके मैनेजमेंट में, वो होता है आपका जूता, कि आप किस तरह का जूता पहन रहे हैं। जूता ख़रीदने जाते हैं कि मेरे पैर में दर्द रहता है तो मुझे इस तरह का जूता चाहिए, तो आपको इन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए, पहन के देखना चाहिए। अगर आपको सही लगता है तो ही जूता ख़रीदना चाहिए। आप बेसिकली स्पेसिफिकली उसको जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है उसको ना देख के जूते में ये फ़ीचर्स को देखिए, वो बड़े ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला जो फीचर होता है, जो हमारी जो आर्क स्पोर्ट है, जैसे पैर जो ऐसा फ्लैट है, ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे जो मुड़ा होता है यहाँ से, ये जो प्लांटर आर्क बोलते हैं इसको, इस आर्क का स्पोर्ट अच्छा होना चाहिए। सो अगर प्लांटर आर्क का स्पोर्ट अच्छा होगा जूते में, तो आपकी बॉडी का जो वेट है उसका जो प्रेशर आएगा वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके पैरों में, और जो फेशिया है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आपको पेन कम होगा। दूसरा फीचर होना चाहिए कि कुशनिंग जो है, कुशन जो होता है जूते के अंदर, जिससे मतलब जो उसकी जो विड्थ बनती है, कुशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, कि आपकी बॉडी का जो वेट का जो प्रेशर है, आप चल रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, तो उसके प्रेशर को आराम से वो हैंडल कर ले और प्लांटर आर्क के ऊपर या प्लांटर फेशिया के ऊपर प्रेशर कम जाने दे। तीसरा पॉइंट है कि जूते ऐसे देखिए जिस पे हील काउंटर होता है, यानी कि जिस पे हमारी एड़ी रखी जाती है, उसके आसपास का जो जूते का पोर्शन होता है उसको हील काउंटर बोलते हैं। अगर ये हील काउंटर लचीला होगा या सॉफ्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आप चलोगे तो आपका पैर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब सही से रखा नहीं जाएगा, वो हिलेगा डुलेगा, और उसकी वजह से आपको पेन मतलब होगा नहीं, बल्कि आपका प्लांटर फेशियाइटिस का पेन बढ़ जाएगा। सो इसलिए उसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, फर्म होना चाहिए। और चौथा पॉइंट जो है, वो जो आपका अंगूठा है, जहाँ पर अंगूठा रखा गया है, तो आगे से जूता जो है नैरो नहीं होना चाहिए। स्टाइलिश के चक्कर में वो नैरो जूता नहीं खरीदने के बजाय आगे वाला हिस्सा चौड़ा होना चाहिए, ताकि आपका पैर का जो आगे वाला हिस्सा है वो सही से पड़े, ताकि आपके जो बॉडी का जब प्रेशर पड़ रहा है चलते समय, वॉक करते समय, दौड़ते समय, तो प्रेशर अच्छे से रिलीज़ हो, ना कि वहाँ से ट्रांसमिट होके प्लांटर आर्क की तरफ बढ़े और आपके फेशिया में पेन कर दे। पांचवा पॉइंट है, ऐसे जूते आपको अवॉइड करने चाहिए जिनकी हील काफ़ी ज़्यादा हाई है। हाई हील शूज़ नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो प्रेशर है वो हील में ज़्यादा वो बेसिकली माइग्रेट होता है या ट्रांसमिट होता है, और आपका पेन बढ़ता है। तो हाई हील शूज़ नहीं पहनने चाहिए। काफ़ी लोगों को कई बार फॉर्मल शूज़ पहनने पड़ते हैं, उनकी वजह से भी कई बार लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि फोर्स जो है आपकी बॉडी का जो वज़न की वजह से वो डेविएट नहीं हो पाता, ट्रांसमिट नहीं होता दूसरी जगह पे, तो इसलिए पेन होता है। तो हाई हील शूज़ तो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। छठा है कि जूते जो आपके प्रॉपरली फिट होने चाहिए। जूते अगर आपके प्रॉपरली फिट नहीं होंगे, आपके पैर आगे पीछे हिल रहे हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम होगी, उससे आपके फेशिया पे प्रेशर आएगा और आपको पेन ज़्यादा होगा। सो ये चार पांच मोटी चीज़ें हैं, जब भी जूता ख़रीदने जाओ, प्लांटर फेशिया की प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहे हो और जूता ख़रीदने जा रहे हो, ये चार पांच चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। आप ये भी कह सकते हो कि जब भी आप शोरूम पे या किसी शॉप पे जाते हो, तो उसको बताओ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, दे विल शो यू अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।